इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले काम क्या करनी चाहिए। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो क्या है, इस वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स आपने दिया है, आपने स्कोर भी मैच करवा लिया होगा, हालांकि वो कैंसिल हो गई है, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा ये अंदाज़ा लग गया होगा कि आपकी जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और अभी जबकि समय है और कुछ भी पता नहीं है कि बीपीएससी प्रीलिम्स कब होगा कब नहीं होगा, कुछ डेट्स आ रहे होंगे लेकिन क्लियर नहीं है, फिर भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें आपको वो पहली स्टेप मैं बताऊंगा जो कि मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ज़रूरी होती है, जो कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करनी है कि ये बुक आपको ख़रीदनी है, ये बुक आपको ख़रीदनी है, ये बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए है और ये जनरल स्टडी का पेपर है। इसमें टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स होते हैं। ये केवीसी नैनो का पब्लिकेशन का बुक आता है और भी बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक आजकल आने लगे हैं। अरिहंत के आते हैं, किरण पब्लिकेशन के आते हैं, बहुत सारे के आते हैं, दृष्टि के आते हैं, तो जिसके भी आते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन बैंक लेना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको लेने होंगे, क्योंकि बीपीएससी में जो है आपको डिटेल्ड सिलेबस मेंस जीएस पेपर में भी आपको अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको ये मोटा मोटा अंदाज़ा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते, ये सब इसी से आपको इन्फॉर्मेशन लगेगी, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने 64th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसके लिए मैंने ये परचेज़ किया था, तो 2019 तक का ही इसमें पेपर है, लेकिन आप जब खरीदेंगे तो उसमें 66 बीपीएससी तक का पेपर आपको उसमें रहेगा, ठीक है। और ये आपको परचेस कर लेनी है। इसमें आपको कंटेंट्स के बारे में मैं अगर बता दूँ तो आपको जो है यहाँ पर सिलेबस दिखा हुआ होगा सबसे पहली बार, उसके बाद जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन होंगे उसके कुछ सेपरेट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो होंगे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो कि 20 सालों के होंगे, लगभग एक साथ में आपको कैटेगराइज करके आपको दिए हुए रहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर है, करंट इवेंट्स ऑफ नेचुरल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, और स्टैटिक एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम है। ये जीएस पेपर वन में पूछे जाते हैं। जीएस पेपर टू में इंडियन पॉलिटी आती है, इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी आती है, द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आती है। तो इस तरह से आपको कैटेगराइजेशन होंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो पहला ही चैप्टर ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सिलेबस आपको रहेगा, सिलेबस देखिए, सिलेबस कुछ डिटेल में यहाँ पर है नहीं, क्योंकि बीपीएससी में भी जीएस पेपर वन के लिए, क्योंकि बीपीएससी में भी जीएस पेपर के लिए कोई डिटेल सिलेबस आपको सिलेबस में नहीं मिलेगी। तो जो भी आपको एनालिसिस होगा वो आप किसी क्वेश्चन पेपर की मदद से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 63rd बीपीएससी मेंस की क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिए गए, और पहला सेक्शन जैसा कि आप लोग जानते हैं जीएस पेपर वन में हिस्ट्री का होता है, तो क्वेश्चन वहाँ से जिस तरह से पूछे जाते हैं उसी तरह के दिए जाते हैं। आपकी आंसर भी यहाँ पर साथ साथ दी जाती है। आंसर आप देख रहे हैं बहुत ही नीरस टाइप की होती है, कोई भी इसमें आपको इंटरेस्ट और ऐसा आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन आपके लिए अंदाजता, लेकिन आपके लिए एज अ न्यू स्टूडेंट आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं जो कि आपको न्यू स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन आपको हूबहू आंसर यहाँ से नहीं छापने हैं, आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, आपको यहाँ से गेस करनी है, आपको यहाँ से चीज़ों को स्टडी करनी है, और उसके साथ साथ आपको इंटरनेट की मदद लेनी है, आपको जो है कोई मटेरियल है कहीं और मटेरियल है तो उसकी मदद लेनी है, लेकिन आपको हूबहू आंसर इसके नहीं छापने हैं। जैसे क्वेश्चन भी पीएससी में हिस्ट्री के तकरीबन स्टार्टिंग के रहते और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस तरह के आंसर को आपको नहीं लिखना है। आपके आंसर में डायग्राम होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पूरे बुक में कहीं पर भी डायग्राम और इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी ये बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और क्योंकि नए स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। फीचर ऑफ पटना कलम पेंटिंग है, साइलेंट फीचर ऑफ पटना कलम पेंटिंग स्टाइल है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। कंक्लूजन है, आइडिया आप ले सकते हैं, बट डू नॉट ट्राई टू कॉपी दिस आंसर, ठीक है। मैं ऑनेस्टली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इसके आंसर से हेल्प लेनी है, ना कि आपको इसके आंसर को कॉपी करनी है, ठीक है। करंट अफेयर में आप देख सकते हैं, जैसे बिमस्टेक है, एक इंटरनेशनल रिलेशन का यहाँ पर पूछा जाता है। रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस था, दो इंटरनेशनल रिलेशन के हो गए, उसी तरह से यहाँ पर टू इंटरनेशनल रिलेशन के हो गए। उसके बाद जो एनआरसी डिस्प्यूट, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के न्यूज़ थे उस समय, चर्चा में थे, ये इंटरनेशनल टेररिज्म पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, किस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा।
ठीक है। और ये आपको परचेस करनी ही करनी है, इसके अलावा आप जो भी परचेस कर ले, लेकिन पहला काम आपको बीपीएससी मेंस की परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको ये जरूरी है। यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की थी। देखिए साइंस के क्वेश्चन पूछ दिए मैंने, 3-4 क्वेश्चन पेपर को एक साथ पेपर में लिख लिया था और उसी के अनुसार से अपनी तैयारी की थी। मैं गाइड करूँगा आगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको ये जो है यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से पूछे जाते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पर कैटेगराइज करके दिए हुए हैं, तो इतने टॉपिक को आपको प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा। जितना भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है उस तरह से आपको बेसिस बना करके तैयार करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे गाइड करता भी रहूंगा, लेकिन फिलहाल आपको काम क्या करना है कि एक क्वेश्चन पेपर आपको 20 सालों के ले लेने हैं, जिसमें 66 बीपीएससी मेंस तक के क्वेश्चन रहेंगे। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होती है, तो मीडियम यहाँ पर कोई भी बैरियर आपके लिए नहीं है। आप किसी और पब्लिकेशन का भी बुक खरीद सकते हैं, नहीं तो केबीसी नैनो इज द बेस्ट फॉर बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। सबसे पहला काम आपको यही करना है, इसके बाद जो है आपको जो भी काम करने हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। धन्यवाद।